दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन ने शिखर वार्ता के समापन में आज एक अहम फैसला लेने पर समझौता किया। प्योंगयांग में हुआ समझौता कोरियाई द्वीप में शांति बहाली के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। पाकिस्तानी समाचार चैनलों के मुताबिक एवनफील्ड हाउस मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को दी गई जेल की सजा को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। केस में नवाज शरीफ को 10, मरियम को 7 और सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर के देशों के लिए गुल्लक बन गया है। चीन यहां से हर साल 500 अरब डॉलर कमा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में आज सुबह रासायनिक रिसाव होने से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना में आंख और सांस में तकलीफ वाले 24 लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया। गुजरात विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाला बिल पास हो गया है। अब विधायकों को 35,000 ज्यादा यानी 1,16,316 रुपए वेतन मिलेगा, जबकि नेता विपक्ष और मंत्रिमंडल के अन्य पदाधिकारियों को 1,32,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। 3 तलाक बिल पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए केंद्रीय कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने आज कैग राजीव महर्षि से मुलाकात की। कांग्रेसी नेताओं ने राफेल मामले में समय पर विशेष और फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। एनआरसी के मामले में दावे और आपत्तियां निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर से प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। प्रक्रिया 60 दिन तक चलेगी। बैडमिंटन प्लेयर राजकुमार को मिला अर्जुन अवार्ड। देश को कई पदक दिला चुके हैं राजकुमार। हाईकोर्ट ने आज रीट लेवल 2 के पेपर को आउट मानने से इनकार कर दिया है। इससे शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह आसान हो गई है। राज्य सरकार से हुआ समझौता लागू कराने की मांग को लेकर आज भी रोडवेज के पहिए थमे रहे। लगातार 3rd दिन प्रदेश में 4,500 बसों का संचालन नहीं हुआ। डूंगरपुर के दंसूरी गांव में आज एक निर्दयी पिता अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को कुएं में फेंककर फरार हो गया। आरोपी पिता मुकेश मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस एकेडमी में आज 6,000 टेबलों की पदोन्नति का समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुकुंदरा राजे ने अपनी सरकार को पुलिस की सच्ची हितेशी सरकार बताया। कोटा में धार्मिक स्थल पर बीती रात डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद आज तनावपूर्ण शांति रही। इस दौरान घटना स्थल पर दिन भर पुलिस का जाप्ता तैनात रहा। एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल की मां निर्मल कंवर ने आज सीकर में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर धोखाधड़ी के आरोप के साथ मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा का विरोध जताने की बात कही। इस दौरान रावणा राजपूत सभा समिति के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोढ़ाला ने रावणा राजपूत समाज को राजपूतों से राजनीतिक रूप से अलग बताते हुए सत्ता और संगठन में हिस्सा देने वाली पार्टी के ही विपक्ष में होने की घोषणा भी की। सीकर पुलिस ने 2014 में हुए महेश हत्याकांड के एक और आरोपी विद्याधर को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 2000 का इनामी बदमाश जयपुर में एक केटरिंग की दुकान पर काम करता हुआ पकड़ा गया। जुलाई महीने में सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर सीकर में आज 3rd दिन भी रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे। आज भी रोडवेज कर्मी डिपो परिसर में धरना देकर प्रदर्शन करते नजर आए। रिंगस कस्बे में देवनगर स्थित मंदिर में तेजाजी और रामदेव जी महाराज की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। इस दौरान कस्बे भर में मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। खाटू श्याम जी के नजदीकी धींगपुर में कांग्रेस का मेरा गौरव मेरा बूथ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया और जिलाध्यक्ष पीएस जाट समेत कई वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देने की बात कही। SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में शेखावटी सर्व समाज संघर्ष समिति कल रामलीला मैदान में शाम 4 बजे धर्म सभा का आयोजन करेगी। इससे पहले शहर में वाहन रैली निकाली जाएगी। बाबा रामदेव जयंती पर आज जिले भर में आस्था उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। इस दौरान जिले भर में बाबा रामदेव के मंदिरों में मेले के आयोजन के बीच शोभा यात्रा महाआरती और भंडारे सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए।
रेलवे और आयकर विभाग में नौकरी का झांसा देकर 17,30,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। मामले में पिपराली रोड निवासी मोहनलाल शर्मा ने उद्योग नगर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।